बाकी जो ठीक है, लेकिन ये जो पाथर हैं, आखिर पाथर डालने का उसमें क्या वैसा है? क्योंकि मस्जिदों में मैंने देखा है कि अमूमन पाथर नहीं होते हैं। इसी लतीफ जी दिखा रहे हैं कि ये बताते हैं कि इनके पूर्वज इसमें कांच को पीस के बनाते थे। जयदेव, मैं हूँ आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। तो दगड़ियों, आज का जो सफ़र है, मैं जा रहा हूँ चंपावत की ओर। चंपावत जो पिथौरागढ़ से 70 किलोमीटर दूर है, और इस सफ़र में कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखे। कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं। इस सफ़र में मैं आज आपको रूबरू करवाऊँगा इतिहास के उन पन्नों से, जो पन्ने शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे चंपावत से जब हम लोहागाट की तरफ आते हैं, या लोहागाट से हम जब चंपावत की तरफ जाते हैं, तो बीच में एक जगह पड़ती है खूना। खूना जो जगह है वह प्रसिद्ध है अपनी पाथर वाली मस्जिद के लिए। पाथर, अगर हम पाथर की बात करें तो पाथर क्या है कि जो कुमाऊनी शैली के मकान हैं उसमें जो छतें बनती थी वो पाथर से बनाते थे। यानी पाथर यानी स्लेट का बड़ा पत्थर का चौकोर टुकड़ा होता था, उनसे वो उन छतों का निर्माण करते थे। तो जो मस्जिद में उन पाथरों का प्रयोग हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि किस प्रकार संस्कृतियों का एकीकरण हो गया, संस्कृति आपस में मिल गई। तो वो संस्कृति है जो पाथर वाली संस्कृति हमें यहाँ पे दिखती है। तो मैं आज आपको ले जा रहा हूँ इतिहास के उस पन्ने की ओर कि कैसे इस्लाम और हिंदू धर्म का यहाँ पर सम्मिलन हो गया और पाथर वाली संस्कृति यहाँ पर देखने को हमें मिली है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए सफ़र में। आप ठीक नीचे देख रहे हैं पाथर वाली मस्जिद। अभी नज़दीक से जाके देखेंगे कि क्या उसका इतिहास है। अभी मैं हूँ टनकपुर पिथौरागढ़ का जो नेशनल हाईवे है उस पर मैं खड़ा हूँ अभी, और इस जगह का नाम है खूना। तो ये रास्ता है जो मस्जिद की ओर जाता है, और यहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं, तो उनसे जानेंगे कि वो लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं, और अभी जब आधिकता आ चुकी है तो क्या क्या चेंजेज वो महसूस करते हैं। तो आप मेरे साथ देखेंगे यहाँ पे उनके जो मकान हैं, ये इसे भी सब पत्थर वाले से बने हुए हैं। तो आइए, कोई मिलता है तो उनसे बात करते हैं। शुभ नाम लतीफ हुसैन नाम मेरा। तो हमारे साथ अभी लतीफ हुसैन जी हैं इस जगह पे, जो यहाँ के निवासी हैं। तो मैं आज उनसे जानेंगे इस पाथर वाली मस्जिद का इतिहास, कि वो यहाँ पे कब से आए, क्या रहा, कब बनी ये। तो लतीफ जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं ये सब। हमारा मैं क्या कहते हैं, जो हमारे ये मैं गिरीश चंद्र जोशी थे यहाँ चंपावत वाले, जो पहले जयपुर साइड से आए थे ये लोग जी। तो हम लोग ठहरे, मनिहार लोग ठहरे हम जी। तो हमारे वो 5 मवासी लेके आए थे कम से कम 500 साल पहले। अच्छा जी, 500 साल से हमारा ये यहाँ इतिहास है, और तब से जो है कि मतलब अब हम यहीं रहते हैं, अब यहाँ भी रहते हैं। टनकपुर मनिहारकोट भी हमारा गांव है, वहाँ भी रहते हैं। कोई कोई आदमी यहाँ गर्मियों में आते हैं, जाड़ों में वहाँ चले जाते हैं, और मैं जो है कि परमानेंट यहीं रहता हूँ जी। ये जो मस्जिद कब बनी होगी लतीफ जी? मस्जिद करीब इसको करीब इस वाली को करीब 130 साल करीब होगा इसको। अच्छा जी। और ये वो वाली मस्जिद जो है पुरानी वाली, उसका करीब 400 साल से करीब। तो उसमें अभी जो नीचे आप मस्जिद दिखा रहे हैं, वीरान पड़ गई है, वहाँ पे कुछ नहीं होता अभी, कुछ नहीं होता है। तो इस मस्जिद में नमाज बस हम जुमे के दिन नमाज होती है, मतलब है, हमारे टनकपुर से मैं हाफिज जी आते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। अच्छा। और ये चंपावत वाले, चंपावत में पहले मस्जिद नहीं है, वहाँ क्या कहते हैं ये किसी की छत में पढ़ाते थे। अच्छा। तो वहाँ लोगों ने रोक लगा दी, तो अब वो लोग भी यहीं आते हैं। अच्छा, जो ये पूरे मकान पीछे खाली दिख रहे हैं, ये आप ही लोगों के? सब हमारा, ये पूरा गाँव, ये क्षेत्र हमारा, ये
ये जो जमीन है ये हमारे गांव वालों ने सब बेची हुई जमीन है ये। अच्छा, ये सब आप ही की जमीन सब है सब। ये वो मानेसर से टीला जो है जो खंभे से चमक रहे ऊपर के, ये पूरा इलाका सब ये हमारा, यहाँ बहुत दूर तक इलाका था हमारा ये। अच्छा, जो मानेश्वरपुरा इलाका था वो आपका था, आप ही के लोगों ने जमीन बेची है। जी जी। तो आपको यहाँ जयपुर से लाया गया था वहाँ पहले मैं, अब हम आपके पुरखे आए थे यहाँ। पुरखे बताते हैं मतलब कि जो है कि यहाँ मतलब ये गिरीश चंद्र जोशी जो थे वो उनकी रानी जो है कि रोज की रोज चूड़ी पहनते थे। हाँ, वही मैं आपसे पूछा चाह रहा था कि आप पहले यहाँ चूड़ी बेचने वाले के रूप में आए थे। हम लोग चूड़ी बनाने वाले मतलब मनिहार ठहरे हम। अच्छा, हमारे पास कुछ हथियार भी पड़े थे पहले, मतलब ये चूड़ी बनाने वाले कांच पीसने वाले वो। अच्छा, अभी थोड़ा बहुत होंगे वो पत्थर वत्थर बने हुए, हमने तो देखे भी नहीं। अब हम अभी आपके पास होंगे वो थोड़ा बहुत होंगे मेरे ख्याल से। क्या आप मुझे मस्जिद दिखा सकते हैं? हाँ, चलिए चलिए। तो अभी अब इस मस्जिद को आप ही देखते हैं, आप ही सुबह शाम नमाज पढ़ते हैं। सुबह शाम दिन में तो हमें जो है कि टाइम नहीं मिलता है, क्या करते हैं तो ये मुख्य जगह है जहाँ पे लतीफ़ जी और जो भी मनिहार कोर्ट से जो आते हैं मुस्लिम भाई यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। तो लतीफ़ जी, मैं जानना चाह रहा था कि बाकी जो ठीक है, लेकिन ये जो पाथर हैं, आखिर पाथर डालने का उसमें क्या वैसा है? क्योंकि मस्जिदों में मैंने देखा है कि अमूमन पाथर नहीं होते हैं इसी सैलरी में। ये ऐसा ना, ये लकड़ी और ये पत्थर का तो यहाँ इलाका ठहरा उस टाइम। हाँ। ये पत्थर हमारे ये यहाँ से करीब मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर दूर एक गांव को ही पड़ता है, वहाँ पत्थर की इसकी ये पाथर की खान थी। अच्छा, तो ये लोग सब घोड़ों में वहाँ से लेके आए पाथरों को। जी, तो मतलब अब उस टाइम का जमाना ये था कि यहाँ सरिया नहीं, सीमेंट नहीं, इसमें कुछ भी, खाली पत्थर की चिनाई होगी, इसमें कोई मसाला कुछ नहीं लगा होगा, खाली पत्थर की और लकड़ी की और पाथरों की। हाँ। ये मतलब जो है कि यहाँ का एक ये फ्री का सामान ठहरा ये। जी जी, ये अब उस टाइम गरीबी इलाके ठहरी मतलब। तो मैंने देखा है जो पहले चिनाई होती थी ना, मांस पीस के चिनते थे, तो वो भी नहीं है इसमें। इसमें खाली पत्थर ही पत्थर आप देख सकते हैं, इसमें कोई कहीं भी कुछ भी कोई कहीं हल्की मिट्टी ही लगी होगी। अच्छा, पत्थरों को जोड़ बना के बिठा रखे। अच्छा, अब उस टाइम में सभी लोग मतलब भरे के ठहरे, कारीगर सब मिस्त्री सब घर के ठहरे। अच्छा, तो और ये टाइल्स फाइल तो हमने जो है कि आज से 5 साल पहले ये चंदा किया था हमने वहाँ से, गांव से हमने कहा मस्जिद वहाँ बेकार कतई ऐसी थी यहाँ भी। अच्छा, तो हमने जो है कि मतलब इसमें 1,00,000 रुपया हमने इसमें चंदा करवा के लगाया, रेनोवेट किया। अब ये बाथरूम जो है कि हमारा ये पुराना है, अब ये तोड़ रहे हैं। अब इस साल कहे थे थोड़ा कुछ चंदा करके ये किस चीज़ के लिए है? ये अजान देने के लिए। अच्छा, अजान देने के लिए खड़े होते हैं यहाँ पे, तो इस जगह पे अजान देने के लिए खड़े होते हैं मौलवी जी। और ये छत आप देख रहे होंगे सब पाथर वाली मस्जिद की बनी है, तो ये बाद में बनी है, इससे पुरानी मस्जिद पुरानी वाली वो है, वो तो खंडहर पड़ गई है। वो तो इसको करीब 30-35 साल करीब होंगे इसी मेरे ख्याल से बनने हुई इस वाली मस्जिद को, या उससे ज्यादा हो गए होंगे। ज्यादा नहीं है, 30-35 साल, 130-135 साल। हाँ, वही ज्यादा नहीं। और वो जो पुरानी मस्जिद आप कह रहे हो उसको तो करीब 4-5 साल होंगे उसको। तो यहाँ पे लगभग कितने मवासी जब रहते थे तो पहले तो आबाद रहा हमारा करीब मेरे ख्याल से, अभी तो हमारा बहुत बड़ा गांव हो गया। जिस टाइम हम लोग आए थे यहाँ कुल 5 मवासी आए थे, कुल 5 मवासी। अच्छा। बाद में भी आए थे वहाँ से, मतलब शुरू में जो है कि मतलब राजा के जमाने में जो है कि 5 ही आए थे, बाद में जो है कि फिर बाद में भी आए। तो कोई दस्तावेज भी हैं आपके पास? हाँ, हमारा जो है कि इसका ताम्रपत्र है, हमारा तो राष्ट्रीय गाँव है ये तो हमारा। जी जी जी। इस क्षेत्र में कहीं भी एक गाँव राजपुर गाँव है एक यहाँ, अच्छा वो भी वहीं से आए हुए हैं। ताम्रपत्र अभी आप लोगों के पास है, कहाँ पे होगा? ना, ये तो मैं सरकार के खाते में जमा होगा। सरकार के खाते में जमा है ये, हमारी पक्की जमीन है ये हमारी। अच्छा, ये आप ही लोगों के पक्की जमीनें दी गई है, राजा के टाइम की जमीन है हमारी सब ये। अच्छा, चंद राजा के टाइम पे आप आए होंगे? गिरीश चंद्र जोशी थे। अच्छा, जो हमारे जोशी थे। अच्छा, वो लेके आए थे आप? वो लेके आए चंद राजा तो ये पिथौरागढ़ बाट है, उस टाइम ये इलाका पिथौरागढ़ तक का नहीं था, ये बॉर्डर उस टाइम बताते हैं पड़ता था ये घाट का, जो घाट की नदी है ये जी, केवल यहाँ तक का जो है कि मतलब बॉर्डर पड़ा ये। उसके बाद तो अब ये तवा घाट तक बनाया, इसमें ये मुगल ने जब राज किया उस टाइम तो इस बॉर्डर को बताते थे हम, ये अल्मोड़ा से लेके बरेली, पता नहीं कहाँ से ये इलाका, तो उस टाइम से नेपाल में ठहरा इलाका है। अच्छा, इसमें इमाम साहब रहते थे? हाँ, ये हुजरा कहते हैं इसको, मतलब जैसे मस्जिद का कोई भी सामान हुआ तो इसी के अंदर। अच्छा, इसको हुजरा कहते थे अभी, लेकिन ये बरसात के टपकने लगा है। टपकने लग गया इसके मरम्मत करने।
तो इसको तो मैं चाहूंगा कि आप जब इसकी मरम्मत करके स्वरूप पत्थर वाला ही रखिएगा। ना ना पलू ये पत्थर ही रखेंगे। हाँ, क्योंकि इसकी पहचान ही पत्थर वाली मस्जिद के रूप में है। लोग हमारे गांव के कह रहे थे मतलब इसमें निकाल के टीन लगाते हैं, मैंने कहा देखो पुराने इतिहास को मिटाना। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। जब भी आप इसका वो करेंगे तो इसमें कम से कम इसी पत्थर को रखिएगा संयोजित करके। चलिए, कुछ अभी आप हमें दिखा पाएंगे जो आप हथियार वो कुछ कह रहे थे जिससे चूड़ियां बनती हैं? कुछ पत्थर मतलब कुछ कुछ पीस तो जो है कि मेरे ख्याल से रखे होंगे हमारे। चलिए एक बार अगर आप दिखा देते हैं। लतीफ जी दिखा रहे हैं कि ये बताते हैं कि इनके पूर्वज इसमें कांच को पीस के बनाते थे, पता है? लतीफ जी कुछ बताएंगे? ये मैं कह तो नहीं, अब हम लोगों को तो पता नहीं, हमारी माँ जो है कि बताती थी कि मतलब इसमें जो है कांच मतलब रख के इसको पीस के जो है कि मतलब चूड़ी चूड़ी बना देते थे। पता नहीं बनाते कैसे थे, हमको तो ये पता नहीं। मैंने खाली ये पत्थर जो है कि अब मतलब इतिहास के लिए मैंने रखे है केवल ये। ये बहुत अच्छा किया आपने, अपने पुरखों की धरोहर संभाल के रखी है। मैं इनको संभाल के रखता हूँ, पिछले साल ये किसी ने फोड़ भी दिया ये। तो ये था आज का सफ़र खूना गांव का, जब लतीफ़ जी ने हमें अपने इतिहास से रूबरू करवाया था और पाथर वाली मस्जिद के बारे में बताया। तो दगड़ियों, आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड पर फिर आपसे मुलाकात होगी इतिहास के कुछ अनछुए पलों को लेकर और एक नए इतिहास को खोजने के लिए। तब तक के लिए दगड़ियों, भले रहिए।